आज प्यारिस ओलंपिक्स उद्यापन समारोह मिलित तो प्यारेड रे त्रिरंगा धरिबे मनु एवं श्रीजेश चमत्कार प्रदर्शन करी देश को गर्वित करिछंती उभय ओलंपियन भारत को मिली गोटे सिल्वर एवं पांचटी ब्रोंज मेडल षोल दिनिया प्यारिस ओलंपिक्स शेष पर्याय आउ किसी समय पर आरंभ होगा जाऊँगी उद्यापन समारोह प्यारिस ओलंपिक्स को स्मरणीय करने को रंगारंग कार्यक्रम आयोजन होगी मिलित प्यारेड में त्रिरंगा धरिबे पदक विजेता हॉकी टीम गोलकीपर पीआर श्रीजेश एवं डबल मेडलिस्ट मनु भाकर प्रतियोगिता रे भारत एथर गोटे रौप्य पदक सह मोट 6 पदक हासिल करछि एथर ओलंपिक्स रे चमत्कार प्रदर्शन करी देश को गर्वित करिछंती भारतीय ओलंपियन अपना भी काफी अच्छा रहा लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है अंदर थ्रो तो है पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। उद्यापनी समारोह में फ्रांस प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रोन के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी अध्यक्ष थॉमस पास भी शामिल कार्यक्रम में माक्रोन विधिवत भाव परवर्ती 2028 ओलंपिक आयोजनकारी देश यूएस प्रतिनिधि को ओलंपिक फ्लाग हस्तांतर करेंगे। उद्यापनी समारोह में हॉलीवुड कलाकार ट्रम्प क्रूज का प्रदर्शन देखा मिल ओपनिंग सेरेमनी पर उद्यापन सेरेमनी में रिवर्स सीन देखा मिल फ्रांस कलाकार पारंपरिक चिताकर्षक नृत्य प्रदर्शन भारतीय समय मध्यरात्र 12:30 आरंभ हो कार्यक्रम चलित ओलंपिक्स में सामिल होता समस्त प्रतियोगी विदेशी प्रतिनिधि कलाकार समेत प्राय 80,000 जनता उद्यापन समारोह में सामिल होते अगर अमित रोहिदास होते तो जर्मनी 2 गोल नहीं मार पाता मैं फाइनल खेलता अब फाइनल में नीदरलैंड को बहुत आसानी से हरा कर हम लोग गोल जीतते मगर चलिए किस्मत है वो दिन मेरा नहीं था मैच आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ कि 2028 ओलंपिक में भारत गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान की झोली में रखेगा ये मुझे पूर्ण विश्वास है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स रे प्रथम भारतीय भाबे मनु भाकर महिला शूटिंग रे हाथी थे ब्रोंज मेडल परे मिक्स शूटिंग रे उभय मनु भाकर एवं सरबजीत मिलित भाबे भारत नारे आउ एक ब्रोंज पदक पक्का करथिले पुरुष शूटिंग रे स्वप्निल कुशाले को मध्य मिलितला ब्रोंज पदक पुरुष हॉकी रे भारतीय दल चमत्कार प्रदर्शन करी हाथी थे ब्रोंज पदक जाभलिन थ्रो रे भारतर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा रौप्य पदक जीति पुणी थे भारतीय मन जीते पुरुष कुस्ती रे अमन सेरावत ब्रोंज पदक जीति भारत को गौरवान्वित करथिले गोल तो कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं था कि पूरी उम्मीद थी कि वैसे तो कि टीम इतना अच्छा खेल रही है कि गोल आएगा पर ये कि किस्मत भी होती है लग का था थोड़ा तो नहीं हुआ पूरी मेहनत की उन्होंने पर ये है कि कोई भी मेडल आया हमारे लिए तो वो गोल्ड ही है ओलंपिक में कोई भी मेडल आया तो बहुत अच्छा है हमारे लिए कि गोल्ड मतलब कि कोई भी मेडल आया है ये ऐसी बात है कि बता ही नहीं सकते जो फीलिंग्स बच्चे के लिए है और सारी टीम के लिए है इतना एफर्ट करके इतना मतलब इस टाइप से ये टीम खेली है इस बार हम तो चाहते थे गोल्ड आए पर मुझे लगता है कि ये ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड ही लेके आ रहे हैं हमारे लिए तो बता नहीं सकते कि बहुत ज्यादा प्राउड फील मूवमेंट है जी बहुत खुशी है जी दूसरी तरफ ब्राउन मेडल हम लोग को आ रहा है बहुत ज्यादा खुशी जी बहुत ज्यादा हमारे गांव से जो हमारे रिश्ते बहुत हमारे साथ आए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन हमारी उम्मीद और बड़ी थी उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए लेकिन ये अमन ने वादा किया है कि मैं अगले ओलंपिक में जरूर गोल्ड लेकर आऊंगा ओलंपिक रे पदक हासिल पर खिलाड़ी को अभिनंदन जनाइबा सह फोन रे कथा होइथिले खुद प्रधानमंत्री मोदी जहां खिलाड़ी को मनोबल बढ़ाइबा सह खिलाड़ी को उत्साहित करथिला राज्य सरकार को पक्षरु मध्य पदक विजयी हॉकी टीम को आर्थिक पुरस्कार घोषणा करथिले मुख्यमंत्री स्वदेश फेरिबा परे समस्त ओलंपियन को क्रीडा मंत्रालय पक्षरु संबोधित करा दैथिला होम स्टेट रे पहुंचिया परे राज्य सरकार को पक्षरु मध्य खेलाड़ी को भव्य स्वागत करा दैछि ओलंपिक्स को नहीं भारतीय को मध्यरे आग्रह वृद्धि पाउछि आगामी समय रे ओलंपिक्स रे अंश ग्रहणकारी भारतीय खेलाड़ी को संख्या वृद्धि पाइबा सह पदक संख्या मध्य वृद्धि पाइबा निश्चित बोली कह सकै पारे ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।